आज तो डोरेमोन देखूंगी, खूब मजा आएगा। तू जैन आ नोबिता को कैसे मारेगा? वो शिजुका को ले गए। अरे वे इधर दे, पूरे दिन डोरेमोन देखे जाएगी, डोरेमोन से मुकी। ये देख अब आई ना बातचीत बिग बॉस। टीवी का रिमोट पहले मैंने लिया, इसलिए टीवी मैं देखूंगी और डोरेमोन ही चलेगा। ले। अरे वो बेवकूफ सी, देख नहीं रही बिग बॉस देख रहा हूँ, इसमें अभिषेक यादव आ रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अभिषेक की गैंग। अभिषेक की गैंग की शक्ल से तो तू बेबी का लग रही है। देख दादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे समझा। मैं देखूंगा टीवी, बिग बॉस चलेगा बिग बॉस ही चलेगा, रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। मेरे को टीवी मैं देखूंगी। देख बहन तुम मुझसे छोटी है ना और मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो इस घर में मेरी चलनी चाहिए, तो मैं देखूंगा। ओके मैं छोटी हूँ, छोटों की बात मानी जाती है, इसलिए छोटे ही टीवी देखेंगे। अब तेरा ना बहुत हो रहा है, अब तेरे को मैं इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, मुक्का मार मार के तेरा मुंह छुटा दूंगा। तुम मुझे मारेगा? हाँ मैं मारूंगा। तूने बहन रिमोट तोड़ दिया? मम्मी मैंने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। ओए क्या कर रहे तुम दोनों? अरे मम्मी देखना इसने टीवी का रिमोट, मम्मी इसने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। आ, कितना झूठ बोल रहे हो मम्मी, इसने तोड़ा? मम्मी मैं झूठ क्यों बोल रही हूं, मुझे बाहर आओ। मम्मी बोल तेज बोल। अरे ये इतना झूठ क्यों बोल रही है तू? मम्मी आप देखो, अब मेरी शक्ल से क्या लग रहा है, मैंने रिमोट तोड़ा हो, देखो शक्ल देखो। हाँ तेरी शक्ल पे ना साफ साफ लिखा हुआ है कि रिमोट तू नहीं तोड़ा है, तू ये हरामी। यू? अच्छा ये क्या बात है, ये रो रही है तो आप इस पर भरोसा करोगे? मेरे को रोना नहीं आता तो मेरी क्या गलती है? तुझे शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहन से लड़ते हुए? अरे पूरे दिन सोफे पे बैठा रहता है, कुछ काम धंधा है या नहीं है? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, जब देखो जब सोफे तोड़ता रहता है। वो 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 क्या मम्मी क्या है, मैं खाली रहता हूँ, मैं पूरा घर का काम मैं करूँ, कूलर में पानी मैं भरूँ, बाहर जाके सिगरेट मतलब दुकान से राशन मैं लेके आऊँ, और सारा काम तो मैं ही करता हूँ, क्या नहीं करता मैं? इस घर को मैं ही चला रहा हूँ आधा। ट्रीट तो मेरे को ऐसा करते हो जैसे तुम्हें तो सोते लाऊं, कहीं कचरे के डिब्बे से लाए थे मेरे को? हाँ तुझे कचरे के डिब्बे से उठा के लाए थे। बोल अब क्या करेगा, चल निकल यहाँ से। वाह मम्मी वाह, आखिर आज आपने सच बता ही दिया कि मैं सोते लाऊं, अब मुझे इस घर में एक मिनट और नहीं रुकना, समझ रहे हो? एक मिनट और मैं जा रहा हूँ। चल चल निकल यहाँ से। अरे यार मैं घर पे इतना फालतू हो गया, जो मम्मी पूरे दिन मेरे को सुनाती रहेगी। अरे मैं क्या नहीं करता घर वालों के लिए, सुबह उठ के दूध मैं लेके आता हूँ, सिलेंडर मैं भरवा के लाता हूँ, सारे काम करके मैं करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या समझते मेरे को, नल्ला हूँ क्या मैं? अरे पैसा ही तो नहीं कमाता बस, उसके पीछे इतना सुनाते रहेंगे पता नहीं क्या। अरे यार जिंदगी खराब करके रखी है मेरी। वो सब छोड़ शिवम, चल कहीं पे टाइम पास करने चलते हैं अब। लेकिन टाइम पास करूँ कहाँ? अरे ये पंछी कैसे खड़े हैं नीचे, चलो इनके साथ ही टाइम पास कर लिया जाए। अरे 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 क्या हाल है मित्रों, आज तुम यहाँ कैसे आ गए? नल्ला कहीं का क्या चीज़ को? अरे नल्ला किसे कह रहा है, तुम्हें पता भी है मैं कितना जरूरी काम करके आ रहा हूँ? हाँ अबे ओए कौन सा जरूरी काम, क्या करके आया तू? वो सब मैं बताना तुम्हें जरूरी नहीं समझता ठीक है, बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग करके आया हूँ मैं। अच्छा वैसे गाइस ये बताओ ना तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ थोड़ी सी। हाँ भाई बातें तो बहुत जरूरी कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, पर तेरे को नहीं बताएंगे। तेरे को क्यों बताएं हम, कुछ रीजन तो दे क्यों बताएं। अरे यार बता दो यार, मैं भी तो तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ यार, बता दो प्लीज यार। बता दे क्या, नल्ला दोस्त है हमारा, क्या ही बताएगा इसको। चल कोई नहीं मैं बता देता हूँ, भाई हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन आने वाला है ना, इस रक्षाबंधन पे अपनी बहन को हम क्या गिफ्ट देंगे? ओ रक्षाबंधन पे गिफ्ट देने की बात कर रहे हो क्या? तो यार भाई क्या दे रहे हो बताओ ना। मैं बोलता हूँ अरे मैं देने वाला हूँ ना अपनी बहन को एक ब्रेसलेट, एक गोल्ड की रिंग और एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर देने वाला हूँ, उसको बहुत पसंद है पता है तेरे को। और भाई तू? अरे भाई मैं ना अपनी बहन को मोटे टायर वाली साइकिल दूंगा। और तू क्या दे रहा है? मैं बताऊँ? अरे मेरी तो पूछ मत रहने दे। अरे भाई बताना। बता दूँ? बता भाई। मैं दूंगा अपनी बहन को बीएम पपलू की बाइक। अरे वो बेवकूफ, वो बीएम झपलू होता है।
एक शाना दूसरा अंधे में काना। अबे वो BMW होती है जिसके चार चार छल्ले होते हैं। अबे चार छल्ले वाली ऑडी होती है, BMW वो होती है जिसमें बेंटन वाला लोगो होता है। बेंटन वाला लोगो, बेंटन। देखा ये गाड़ी यूज कर रहा अपनी बहन को मैं, मतलब बाइक। सही है तुम्हारा तो। अबे पर तू क्या देखा? अबे ज्यादा ज्यादा क्या दे सकता है, मम्मी से 100 रुपए ले लेगा, उसे पकड़ा देगा। और वो भी दे देगा चॉकलेट का डब्बा। अरे ओए, डोंट जज बाय इट्स कवर, ओके? मैं भी बहुत कुछ दे सकता हूँ, समझ रहे हो तुम? कम लगा रहे हो क्या? मैं अपनी बहन को दूंगा स्पोर्ट्स कार दूंगा मैं अपनी बहन को। हाँ स्पोर्ट्स कार, कभी नाम भी सुना है? स्पोर्ट्स कार, सपनों में आते होगी तेरे वो गाड़ी, स्पोर्ट्स कार देंगे। तेरे को पता भी है कितनी महंगी आती है वो गाड़ी? पूरी जिंदगी कमाएगा ना, जब भी वो गाड़ी ले नहीं पाएगा, समझ गया? हाँ। अभी लेने की बात तो दूर है, उसकी सर्विस भी नहीं होगी, इतनी महंगी है वो। क्या बात कह दीजिए तू भाई, उसका एक टायर टायरी 6 लाख रुपए का है। अगर तू गाड़ी ले आया, ये अपनी आधी मुंह छटवा दे। हाँ तो फिर ठीक है, तेरा इस रक्षाबंधन पे मैं अपनी बहन को स्पोर्ट्स कार देकर ही रहूंगा, और जब तक मैं अपना मुंह तुम तीनों को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? चलो अब निकलो, चलो चलो निकलो तीनों, चलो निकलो। बड़ा फुद्दू आदमी है, तो खुद क्या क्या निकलो, खुद निकल गया। बताओ नल्ला, आइए चलो हम चलते हैं घूमने के लिए। अरे यार मैं इतना बेरोजगार हूँ क्या जो आजकल के बालक मेरे को चैलेंज करके जा रहे हैं? मैं गाड़ी नहीं ले सकता एक, वो भी स्पोर्ट्स कार, क्यों नहीं ले सकता? लेकिन लूंगा कैसे, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। अरे यार क्या करूं मैं गाड़ी लेने के लिए? एक काम कर शिवम, चोरी करने लग जा। yes! नहीं यार चोरी में तो नाम खराब हो जाता है। क्या करूं, क्या सट्टे खेलने लग जाऊं क्या? लेकिन उसमें हार गया तो जो है वो भी नहीं रहेगा, वैसे है ही क्या मेरे पास। क्या करूं यार, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सोच कुछ सोच। मेरी बात ध्यान से सुन। अरे ये कौन है मेरा आदमी? आज शाम को मैं तुझे एक बैग दूंगा, और वो बैग तुझे कल सुबह तक रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना है। अगर तूने वो बैग पहुंचा दिया तो तुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1 करोड़ रुपए? देख ये पुलिस वगैरह का चक्कर मेरे को नहीं पता, ये सारा काम तुझे अपने रिस्क पर करना पड़ेगा। अगर तू कर सकता है तो बोल, वरना मैं किसी और को ढूंढूंगा। शिवम जरा सोच, अगर ये काम तू करता है तो तुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मेरे को तो पता ही था ये तेरे बस का काम है ही नहीं। फोन रख, मैं किसी और को ढूंढता हूँ। अरे साहब मैंने आपकी बात सुनी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दोगे तो। दोगे ना? छोटे ये काम बहुत रिस्की है। अरे सर रिस्की बॉय, मैं रिस्की बॉय गांव में यार ने रिस्की बॉय कह दिया करा है। मतलब गांव में मेरे को रिस्की बॉय शिवम बोलते हैं। रिस्की बॉय मेरी शक्ल से नहीं लग रहा, देखो मेरी शक्ल देखो एक बार आप। नहीं तो? अरे सर आप एक बार मेरे को मौका देकर तो देखो, मैं आपका बैग सही जगह पर पहुंचा कराऊंगा। बस आप 1 करोड़ रुपए मेरे को दे दोगे ना तो जरूर पहुंचा दूंगा। ठीक है ठीक है। हाँ तो सर बताओ मेरे को कहाँ पे और कब रख के आना बैग? देखो हाँ लेकिन बस सर बस, आप उसकी टेंशन मत करो, बैग आपका टाइम पर पहुंच जाएगा। बस आप पैसे रेडी रखना, ठीक है? और वैसे भी मुझे और भी बैग ठिकाने लगा कर आने हैं। वो क्या है ना, रिस्की बॉय हो ना, तो ऐसे छोटे मोटे काम मैं करता रहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी बैग ठिकाने लगा के आने हैं, ठीक है? हाँ तो भाई साहब ये वाला बैग लेके जाना क्या? हाँ यही है, लेकिन थोड़ा आराम से बोल, जोर जोर से बोल के सबको बता रहा है। ये क्या कर रहा है, बोल लेना कुछ। आप ही तो बोल रहे हो, आराम से बोल। हाँ तो ऐसे कौन बोलता है, थोड़ा आवाज तो निकाल। ओके तो भाई साहब ये वाला बैग लेके जाना ना, और टाइम बता दो मेरे को किस टाइम जाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, कल सुबह 7 बजे तक रेलवे स्टेशन पर तुझे एक बेंच मिलेगी, उसके नीचे तुझे ये बैग रखना है। और हाँ पुलिस का ध्यान रखियो, कहीं कोई लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। और जैसे ये काम हो जाए तो मुझे कॉल कर लियो, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। हाँ मैं सब समझ गया, अब जल्दी से बैग मुझे दे दो, और भाई साहब मुझे मेरे पैसे तो मिल जाएंगे ना, याद है ना? हाँ पैसे मिल जाएंगे, पहले मेरा नंबर तो नोट कर ले। एक मिनट, बोलो नंबर बोलो। 98971, बाकी आगे बम डिगा बम डिगा बम।
ठीक है ओके। तो भाई साहब मैं पैसे मांगने के लिए आपके पास फोन करूंगा, ठीक है? मिल जाएंगे ना? हाँ पैसे मिल जाएंगे। पक्का मिल जाएंगे ना 1 करोड़ रुपए? हाँ मिल जाएंगे भाई साहब, पक्का मिल जाएंगे ना मेरे 1 करोड़ रुपए? The next day. हाँ चलो, मैंने उस भाई का काम पूरा कर दिया, बैग ठिकाने में पहुंचा दिया। अब एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ उसको और अपने 1 करोड़ रुपए मंगवाता हूँ। Yes. अरे यार फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे यार ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब कहीं इसने मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर दिया, इसने पागल बना दिया मेरे को बैग पहुंचवा के। अरे यार और भाई क्या ले? अरे यार कोमल मेरे से बात मत कर यार प्लीज। क्या हो गया? मैं तो बस हाल पूछने आई थी, तो गुस्सा ही हो गया। बताना क्या हुआ? बहन मैंने इस रक्षाबंधन पे सोचा था कि तेरे को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूँ बहुत बड़ा, लेकिन शायद मेरी किस्मत खराब है जो मैं तेरे को कभी कुछ दे ही नहीं पाता इस बार भी। अरे तू पागल है क्या? इतनी टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा भाई है, मेरे लिए भाई काफी है। फिर भी यार हर बार मैं तुझे कुछ दे ही नहीं पाता, इस बार कुछ अच्छा सोचा था, शायद किस्मत में ही नहीं है मेरे कुछ। अच्छा चल एक काम करते हैं, इस बार ना तू मुझे रक्षाबंधन में ना केक खिला दे, 40 रुपए का आएगा वही मेरा गिफ्ट जाएगा। अरे ओ बुद्धू, केक 40 रुपए का नहीं आता, पेस्ट्री आती है 40 रुपए की, केक आता है 300-400 रुपए का। बट कोई बात नहीं, जो भी तेरे बजट में है तू वो खिला दियो। खिला देगा ना पक्का? हाँ खिला दूंगा। देख ले प्रॉमिस। खिला दूंगा बोल दिया ना? तो फिर अब हंस दे। हाँ ठीक है ठीक है, चल अब टीवी देखते चल के। हाँ चल चल बिग बॉस देखेंगे। लेकिन अरे यार शुभ भी जो मैंने बाइक बताई थी ना BMW, हाँ यार उसकी किस्तें नहीं बन रही यार। क्यों? ओए ओए ओए, तुम दोनों मेरे भाई के दोस्त हो ना? दोस्त नहीं है हमारा, वो ऊपर से वजह से। यहाँ हमारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो। ओए ऐसे मत बोल मेरे भाई के बारे में, ठीक है ना? मैं तेरे को मार दूंगी। नल्ला है वो, नल्ला कुछ काम धंधा नहीं है उसके पास कुछ। तू नल्ला है? ए तू ऐसे उंगली कैसे दिखा रही है मेरे भाई को? अबे तू मेरे भाई के बारे में फालतू कैसे बोल रहा है? अच्छा ठीक है रुक जाओ, तुझे चाहिए क्या ये बता, तू क्यों आई है यहाँ पे? देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इस बार आ रहा है रक्षाबंधन, वो तो भाई बहन का त्योहार, तो मैं चाहती हूँ इस रक्षाबंधन मैं अपने भाई को ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट करूँ, उसे सरप्राइज दूँ अच्छा सा। क्या 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 क्या, तू पागल वागल हो गई क्या भाई? रक्षाबंधन में भाई बहन को गिफ्ट करता है, ना कि बहन भाई को करती है। हाँ तेरे क्या दिमाग में चल रहा है ये सब? अबे कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि सिर्फ भाई बहन को गिफ्ट कर सकता है? बहन भी तो भाई को कुछ दे सकती है ना, और मैं उसकी छोटी बहन हूँ, मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे गिफ्ट करूंगी कुछ। ठीक है भाई, मेरे को तो लगता है दोनों भाई बहन ना पागल है, कभी वो बोलता है कि उसको बड़ी सी गाड़ी दूंगा, कभी ये बोलती है कि उसको गिफ्ट दूंगी। क्या 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 क्या, एक सेकंड, क्या गिफ्ट करेगा वो मुझे? सुबह सुबह तेरा भाई मिला था हमको, ऐसी बहस करके गया ना, बड़ी सी गाड़ी दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। हमको बोल गया अपनी बहन को ना स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करूंगा, स्पोर्ट्स कार अगर नहीं करी ना तो अपने मुँछे कटवा लेगा आदि। अरे वाह, मैं तो सोच रही थी कि अपने भाई को चॉकलेट गिफ्ट कर दूंगी, और वो तो मुझे स्पोर्ट्स कार देने की बात कर रहा है, नॉट फेयर। वैसे कितने की आती है स्पोर्ट्स कार? मैं दे दूंगी अपने भाई को। तू और उसको करेगी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट? मैं तो पागल वागल हो गई है क्या, कहाँ से लेके आएगी इतने सारे पैसे? वे तू जानती भी है कितनी महंगी आती है वो गाड़ी? बस बहुत पैसा है मेरे पास। वे दोनों भाई बहन पागल वागल है क्या? कभी वो बोलता है मेरे पास पैसे है, कभी इनका दिखता तो नहीं पैसा। एक मिनट, पैसा है ना? बहुत पैसा है। तो चले गाड़ी लेने? सच्ची? ऊंची? पक्का? चलो। हाँ हाँ आपकी गाड़ी शाम तक पहुँच जाएगी। भैया बचाना मेरे को, मैं डिगरो, मेरे पापा से गाड़ी लेके गए थे 3 साल पहले। अच्छा नहीं, सारी जगह बेइज्जती कराता है। अरे कोई नहीं छोड़ो, ये मेरी छोटी बहन जैसी, इसको ना अपने भाई को गाड़ी गिफ्ट करनी है बढ़िया सी महंगी वाली, तो आपके पास जो गाड़ी होगी ना बढ़िया वाली वो इनको दिखा दीजिए। बस भाई ऐसी टॉप की गाड़ी दिखा दो ना तो तोते उड़ जाएं इसके भाई को देख के। तोते? तोते क्या होते? अबे होश होता वो होश उड़ जाए भाई के। जो भी है गाड़ी चाहिए तुम्हें? हाँ मेरे पास बहुत सारी कार है ना, येरी बीटरी सलेरियो टट्टी टट्टी नहीं चाहिए हमको यार।
अबे वो टट्टी नहीं, ये बीट शार्ले की है, बहुत रेसिंग कार है ये। अबे बीट कबूतर वाली बीट नहीं। आप बताओ आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? हाँ सुनो भैया बिल्कुल ध्यान से, मुझे ना ऐसी गाड़ी चाहिए जो बिल्कुल शूं हवा की तरह बात करे, हवा में चले, उसकी छत खुल जाए, उसके शीशे हो ही ना, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जैसे वो मूवी में नहीं होती कौन सी ट्रांसफॉर्मर्स, बिल्कुल वैसी, क्योंकि मेरा भाई ना बड़ा शौकीन है ट्रांसफॉर्मर मूवी का। तो मतलब तुम्हें सुपर कार चाहिए? भाई सुपर कार। तो इसमें क्या दिक्कत है, मिल जाएगी? मुझे 15 लाख रुपए दे दो बुकिंग के। क्या 15 लाख? 15 लाख? इधर 15,000 नहीं है? 15 लाख मार लो चाहे 15 लाख नहीं है मेरे पास। अबे तुझे लात मार के मेरे को क्या मिलेगा, अगर पैसे है तो कर दूंगा बुक, नहीं तो रहन दो। अरे वो गाड़ी इंडिया में नहीं बनती, वो गाड़ी बनती है बाहर देश में, इंटरनेशनल। फिर अब वैसे तुम्हारा बजट कितना है? मेरा बजट तो सिर्फ 10-15 हजार का, इतने ही इकट्ठे हो पाए इतने दिन में, अब क्या करती। 10-15 हजार में स्कूटर है ना, कर दे अपने भाई को गिफ्ट। भैया मेरे भाई को ना स्कूटर बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो तो स्पोर्ट्स बाइक का शौकीन है, उसे तो वही गिफ्ट करनी थी रक्षाबंधन में, मेरा भाई तो अपसेट हो जाएगा। देखो भाई अगर पैसे है तो रुको वरना जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मी जल्दी बुला लो यार, उसको मेरे से खड़ा नहीं होने जा रहे सूट में। शिवम जल्दी आ। मुहूर्त निकला जा रहा, जल्दी आ। I'm coming. अरे बस कर भाई, कितने चक्कर खिलाएगी, मेरे को चक्कर आ जाएंगे। ला दे पहले टीका लगेगा। तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा, क्या है ये दिल, क्या है ये प्यार, तुझसे ही सीखा मैंने। मेरा गिफ्ट दो। गिफ्ट मम्मी पैसे देना बहन को देने के लिए। अच्छा अब राखी के पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे, बोला था ना बाहर जाकर नौकरी कर ले, आज नौकरी करता होता ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये ले। अरे मम्मी ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे, सॉरी बहन मेरे पास आज भी तेरे लिए कुछ नहीं है। क्या मम्मी आज तो फेस्टिवल है, आज के भी दिन उसको ताना देने की क्या। अरे अरे भाई तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? यार मैं तेरा कैसा भाई हूँ, हर रक्षाबंधन पे तुझे कोई अच्छा गिफ्ट भी नहीं दे पाता, हर बार की तरह पापा से 100 या 50 रुपए लेके तुझे दे देता हूँ, हर बार सोचता हूँ कि कुछ अच्छा गिफ्ट अपनी बहन को दूँगा, लेकिन ये सपना सपना ही रह जाता है। काश मैं भी कुछ कमा रहा होता तो आज गालियाँ नहीं सुननी पड़ती मेरे घर वालों की। अरे भाई तू इतना कब से सोचने लग गया, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तू ना ये याद रख जब तू बहुत सारे पैसे कमाएगा। क्या है ये दिल, क्या है ये प्यार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। अच्छा वो सब छोड़, इस रक्षाबंधन ना मैं तुझे कुछ सरप्राइज दूंगी। क्या 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 क्या, क्या? तू पागल होगी क्या, पागल रक्षाबंधन पे भाई बहन को देता गिफ्ट ना कि तू मेरे को देगी। तो बुद्धू इस रक्षाबंधन ये बहन अपने भाई को गिफ्ट करेगी। तू क्या दे देगी ज्यादा से ज्यादा, मेरे को घड़ी लाके दे देगी, ब्रेसलेट दे देगी, या फिर क्या दे देगी तू मेरे को, 10-20 रुपए दे देगी और क्या देगी क्या? हा, 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 हा। ओ, डाउन
डाउन टू अर्थ रख सिस्टम ने ओ तेरे शहर में है रुक बजे राव साहब का चोरी बेहिसाब का कटिया दो ब्रांड का। अरे दादा अबे ये तो स्पोर्ट्स कार है बहन, ये किसकी है? लग रहा पड़ोसियों की आई है। अबे कदे तेरा सरप्राइज है ये? अच्छा मेरा क्या बोली तू? क्या बोली बहन तू? ये मेरा सरप्राइज है? ए भगवान मेरे को यकीन क्यों नहीं हो रहा? ये गाड़ी मतलब तू मेरे लिए लाई है? तू मेरे लिए? मेरे को यकीन नहीं हो रहा। तू चूटी भर चूटी भर। बहन तू सच में दुनिया की सबसे बेस्ट बहन है। अरे बहन ये कौन है? मैनेजर होगा ना। मैम ये आपकी कार की डिलीवरी। भैया भैया प्लीज अगर कुछ हो सके तो देख लो ना, आप भी तो मेरे बड़े भैया जैसे हो। मेरा भाई ना, मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है और मेरे लिए बहुत मेहनत करता है, और इस रक्षाबंधन में चाहती हूँ कि उसको मैं सरप्राइज दूँ। बहुत प्यार करती हूँ ना अपने भाई से, अगर कुछ हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ करवा दो। आप भी तो मेरे बड़े भाई जैसे हो, मैं आपको भी राखी बांध दूँगी, हम भी भाई बहन बन जाएंगे। अरे तुम पागल हो क्या? भाई भी बोल रहे हो और हाथ भी जोड़ रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हें पता है बहन मैंने कभी रक्षाबंधन नहीं मनाया। मेरी बहन नहीं है, मेरे को भी बहुत शौक है मेरी बहन मुझे राखी बांधे और मैं उसके शौक पूरे करूँ, उसे गिफ्ट दूँ। और आज देख लो भगवान ने मुझे बहन दे दी, अब की बार मैं भी त्यौहार बनाऊँगा और इस नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुझे कुछ गिफ्ट दूँ। तो मैं एक काम करूँगा, तुझे कार गिफ्ट कर दूँगा। सच में? अब सच में मुझे गाड़ी दिला दोगे? पर एक शर्त है मेरी। हाँ? तुझे है ना हर साल मुझे राखी बांधनी पड़ेगी ऐसे ही। अरे बिल्कुल भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो, हर साल राखी पे आऊंगे आपको राखी बांधने। तो मैंने एक काम करो, अपना एड्रेस दे जाओ यहाँ पे, मैं सुबह भेज दूंगा गाड़ी। आप प्रॉमिस करो पक्का मुझे गाड़ी मिल जाएगी ना? प्रॉमिस। थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मान ली। यस थैंक गॉड, मेरा भाई बहुत खुश हो जाएगा, उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है इस बार। थैंक यू। ओह माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। अब क्या, चल राइड करते हैं। राइड, लेट्स गो। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा। पैसा पैसा पैसा, किसी के बाप को लेकर न खारे जा। क्या है वफा, क्या है एतबार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। क्या है ये दिल, क्या है ये प्यार।